नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मनहानी के मामले में जमानत मिल गई है। उन्होंने 25,000 की सिक्योरिटी और 25,000 के बेल बॉन्ड पर जमानत ली है। वे मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि वे इस मामले में निर्दोष हैं। बता दें कि उन्हें मनहानी से जुड़े एक मामले में सुल्तानपुर की अदालत ने तलब किया था। मामला करीब 6 साल पुराना है। दरअसल राहुल गांधी 2018 में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी किए थे। इस टिप्पणी के बाद जो है मनहानी का मामला बताते हुए बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज करवाया था। इस मामले में आज ही सुनवाई हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है। मंगलवार को राहुल गांधी की पेशी के चलते कुछ घंटों के लिए इस यात्रा पर विराम लग गया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा था कि मंगलवार सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ देर के लिए थम जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सोमवार को 37 दिन हो गए हैं, लेकिन यात्रा मंगलवार सुबह थोड़ी देर के लिए रुकेगी और दोपहर 2 बजे के फुर्सतगंज से दोबारा शुरू होगी। विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। राहुल गांधी ने 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की जिला एवं सत्र अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिस पर जज योगेश कुमार ने राहुल गांधी को समन भेजा। फिलहाल जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी यूपी में लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। लोग जो है काफी ज्यादा जुट रहे हैं उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले चुनाव में राहुल गांधी को इसका फायदा मिलता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के साथ।